हाय फ्रेंड्स, स्पेशल मेनू में आप सभी को फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से और एक रेसिपी लेके आई हूँ जो है सोया चिली। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी पूरा देखिए, स्किप करे बिना देखिए, और पसंद आए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए आज का फिर रेसिपी मैं शुरू करती हूँ। तो सोया चिली के लिए हमने पूरा सामान ले लिया। सोया को मैंने पहले 15 मिनट भिगो कर रखी थी, अभी नरम हो गया। पानी निचोड़ के एक बर्तन में ले लिया। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, जो नॉर्मल मसाला हम डेली यूज करते हैं वही मसाला देंगे। साथ में देंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और मेन जो चीज है इसमें वह है कॉर्नफ्लावर। वो कॉर्नफ्लावर जरूरी है फ्रेंड्स, आप जब भी घर में बनाने जाओगे कभी आप इसके जगह मैदा यूज नहीं करना, क्योंकि मैदा में ये टेस्ट नहीं आता है, खाने में मैदा का टेस्ट आएगा। इसलिए हमेशा कॉर्नफ्लावर यूज करना है इसमें। सारा चीज देंगे इसमें, और हम अच्छी तरह ये मिला के आधा घंटा के लिए ये अलग रख देंगे। और ये बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। प्याज मैंने 3 प्याज बड़े टुकड़े में काट के ले लिया, और सेम ऐसे ही शिमला मिर्च को काट के ले लिया, टमाटर को भी ऐसे ही काट के ले लिया बड़े टुकड़े में। फिर हम पहले कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, और पहले ये सोया को हम पहले फ्राई करेंगे। ये फ्राई करने में हमारे 5 से 6 मिनट लग जाएगा, अच्छी तरह ये फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो गया देखने में लग रहा है, तो अब हम एक प्लेट में निकाल के अलग रख देंगे। दोबारा कढ़ाई में तेल डालेंगे, तो पहले हम तेल डाल के प्याज को फ्राई करेंगे। तो हम हमेशा सब्जी में जैसे प्याज को हमेशा गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्याज को हल्का फ्राई करना है, इसमें ना प्याज अच्छी तरह फ्राई होगा ना टमाटर, कुछ भी अच्छी तरह फ्राई नहीं करना है। 1 मिनट प्याज को फ्राई करेंगे, साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी देंगे, और हम टमाटर जो काट के रखे बड़े टुकड़ों में टमाटर भी देंगे। हम 1 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा कुछ भी हम ज़्यादा अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे। टमाटर भी हल्का हल्का फ्राई करके हम जो शिमला मिर्च काट के रखे और शिमला मिर्च भी देंगे, और गैस का आग उतना फुल नहीं रखेंगे, कम करके रखेंगे। शिमला मिर्च भी देके हम ये 2 मिनट फ्राई करेंगे। साथ में हम स्वाद अनुसार नमक देंगे, तो नमक फ्रेंड्स हम थोड़ा सा कम करके देंगे, क्योंकि हमारा साथ में बाद में सॉस डालना है, सॉस में भी नमक होता है। सोया भी फ्राई करके रखे उसमें भी नमक है, ज़्यादा आने का भी डर रहता है, इसलिए कम करके दिया। देखिए हम 1 मिनट ये फ्राई करेंगे, तो ये देखने में लग रहा फ्राई हो गया, फिर भी हम 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे। फिर अभी ढक्कन खोल के छोटे जो सॉस का पैकेट आता है वही 1 पैकेट मैंने टमाटर सॉस दे दिया इसमें, थोड़ी सी फिर चिली टमाटर सॉस देंगे, और देंगे सोया सॉस। सोया सॉस भी ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच देने से होगा, और साथ में चाहिए विनीगर। अगर घर में विनीगर नहीं हो तो नींबू का रस भी ले सकते हो, मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैंने नींबू का रस दिया। और जो कॉर्नफ्लावर मैंने पहले भिगो कर रखी थी नरम होने के लिए, तो कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के वो देंगे, और इसमें थोड़ी सी और काली मिर्च पाउडर दे देंगे। देखे हम 1 मिनट ये सारी अच्छी तरह फ्राई करेंगे, तो देखने में लग रहा है ये सब फ्राई हो गया। अभी मैंने सोया जो प्लेट में रखे वो सोया देंगे। तो फ्रेंड आप लोग अगर सूखा बनाना चाहो तो अभी ये सोया डाल के 1 मिनट अच्छी तरह फ्राई करके इसके ऊपर हरा धनिया देके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ी वाला बनाऊंगी, इसीलिए 1 मिनट फ्राई करके मैं इसमें पानी डालूंगी, हल्का हल्का मैं थोड़ी रखूंगी इसमें। ये आप लोग अगर ये रोटी पराठा चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग अगर रोटी पराठा के साथ खाओगे तो सूखा रखना चाहो तो ऐसे ही उस ऊपर हरा धनिया देके सर्व कर लेना। अगर चावल के साथ खाओगे तो उसमें थोड़ी डालना, गैस का फुल करके रखना, 2 से 3 मिनट ये पकाना अच्छी तरह। ये सोया चिली हमारा बनकर रेडी है, हरा धनिया ऊपर देके हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कलर जैसे लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। ये बच्चे बड़े सभी खाते हैं, सभी को पसंद है, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आप लोग आज का ये रेसिपी मेरे स्किप करे भी ना देखिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।